नमस्कार। आज 16 दिसंबर है। कल शाम को यूएस के सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व ने अपनी नई पॉलिसी की घोषणा की, उससे मार्केट्स पे हमने इम्पैक्ट आते देखा। आज हम जानेंगे कि क्या घोषणाएं कल की गई। तो यूएस फेडरल रिजर्व ने कल तीन अहम बातें की। उन्होंने कहा, एक, कि जो वो 120 बिलियन डॉलर का हर महीने वो स्टिमुलस डालते हैं मार्केट में, क्वांटिटेटिव ईजिंग जिसे कहते हैं, वो धीरे धीरे वो कम कर रहे थे। नवंबर में उन्होंने कहा था कि प्रति माह वो 15 बिलियन डॉलर कम करेंगे। अब कल उन्होंने ये घोषणा की कि वो 30 बिलियन डॉलर हर महीने कम करेंगे। तो जहां पहले प्रोबेबिलिटी थी कि जून तक ये 120 बिलियन जो हर महीने वो स्टिमुलस डालते हैं मार्केट्स में वो कम हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, वो अब उसके सामने मार्च में ही, मार्च 2022 में ये स्टिमुलस खत्म हो जाएगा। इसको हम कहते हैं टेपर। तो टेपर इन्होंने बढ़ाया 15 बिलियन से 30 बिलियन डॉलर, और जून के मुकाबले उन्होंने कहा कि मार्च तक खत्म हो जाएगा। दूसरी अहम बात जो उन्होंने कही कि उनका इंटरेस्ट रेट्स का आउटलुक क्या है। अब पहले ये जाना जा रहा था, सितंबर की उनकी बैठक में उन्होंने कहा था कि शायद 2022 में रेट हाइक हो या ना हो, हम कह नहीं सकते। बट कल जो इन्होंने कहा कि 2 से 3 रेट हाइक्स 2022 में होंगे। तो इंटरेस्ट रेट जिस पे सब बाकी इंटरेस्ट रेट इकोनॉमी में चलते हैं, तो ये फेड फंड रेट कहते हैं इसको, तो वो रेट बढ़ाया जाएगा 3 बारी 2022 में, ऐसी गुंजाइश है। तीसरा चीज जो उन्होंने कहा कि अगले साल ग्रोथ थोड़ी कम होगी, इन्फ्लेशन बढ़ी रहेगी, बट अगले साल के अंत तक इन्फ्लेशन काबू में आनी शुरू हो जाएगी। इससे मार्केट्स को काफी प्रोत्साहन मिला। फिर एक बात उन्होंने ये कही कि इंटरेस्ट रेट हाइक कितने आएंगे। उन्होंने कहा कि 3 बारी 2022 में, 3 बारी 2023 में, 2 बारी 2024 में इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने की गुंजाइश है। ये जरूर है कि कैसा डेटा आता है, क्या नए संक्रमण निकलते हैं, ये जो नए वेरिएंट्स आ रहे हैं उससे क्या नया संक्रमण होता है, इकोनॉमी अगर थोड़ा डामाडोल हुई तो हम रेट्स नहीं बढ़ा पाएंगे। तो डेटा ड्रिवन है बिल्कुल। और फिर एक अहम बात इन्होंने कही कि इन्फ्लेशन जरूर है, बट इन्फ्लेशन ऐसी नहीं है कि बेकाबू हो जाएगी। अगले साल के अंत तक हम थोड़ा सा इन्फ्लेशन पे अंकुश डालेंगे, और उसके बाद हमें उम्मीद है कि इन्फ्लेशन हमारे टारगेट 2% के करीब आ जाएगी। अब इससे मार्केट्स पे क्या इम्पैक्ट हुआ? नवंबर में जब फेड के चेयरमैन श्री पावल साहब ने कहा था कि अब हम इन्फ्लेशन को ट्रांजिएंट नहीं देख रहे, हम सोच रहे हैं कि इन्फ्लेशन परमानेंट की तरफ बढ़ रही है या नॉन ट्रांसिएंट है, कि थोड़ी देर और रहेगी इन्फ्लेशन, मार्केट्स काफी विचलित हुए थे इससे कि हो सकता है कि ये हॉकिश हो रहे हैं। हॉकिश क्या होता है? जो पॉलिसी के बहुत तीव्रता से रेट बढ़ा रहे हैं या वो मार्केट्स में लिक्विडिटी घटा रहे हैं, किसी भी तरह से डिमांड कम करके वो मार्केट्स में प्राइस कंट्रोल लाने की कोशिश कर रहे हैं, वो हॉकिश पॉलिसी हो जाती है। डविश पॉलिसी होती है जो कि एकोमोडेटिव हो, लूज मनी हो, लिक्विडिटी डालती रहे। ये डविश पॉलिसी रही पिछले साल मार्च में जब ये कोविड का संक्रमण शुरू हुआ था, तब से फेड डविश रहा है। अब इन्होंने कहा कि पहले हम टेपर खत्म करेंगे, टेपर खत्म कर लेने के बाद हम फिर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाएंगे, तो इस पॉलिसी को हॉकिश कहा गया। मार्केट्स उम्मीद ये थी कि अगर बहुत हॉकिश पॉलिसी आती है मार्केट शायद और गिरे, ग्लोबल मार्केट्स भी गिरे, बट उसके सामने हमने देखा अमेरिकन मार्केट में काफी रिकवरी आ गई। इसका कारण ये था, एक तो मार्केट को सर्टेनिटी मिल गई, एक स्तर मिल गया कि अगले 2 साल का ये गुंजाइश है होने की। दूसरा था कि जो हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट वो दिखा रहे हैं 2.5 साल के बाद भी, 2024 में भी जो इंटरेस्ट रेट्स की बात हो रही है, जो अभी 0% है, वो 2.1% जा रहा है। तो अगर आपकी इन्फ्लेशन 2% पे चल रही है और ये रेट वो दिखा रहे हैं 2.1% जाएगा 3 साल में,
तो ये मार्केट्स के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि लो रेट्स बहुत देर तक चल रहे हैं, और जो इफेक्टिव रेट है, अगर आप इन्फ्लेशन निकाल देवे उस रेट से, तो इफेक्टिव रेट नेगेटिव ही रहता है या बहुत कम 0.1% पॉजिटिव रेट रहता है। इससे भी स्टॉक्स को और वैल्यूएशंस को बहुत प्रोत्साहन मिलता है। तो पहले सर्टेनिटी आई, दूसरा इंटरेस्ट रेट्स इतने नहीं बढ़ रहे, तीसरा जो इन्होंने कहा कि हम देखते रहेंगे डेटा को, ऐसा नहीं है कि हमने आज मंशा कर ली और अगले 3 साल तक यही होगा। जैसे जैसे डेटा आएगा वैसे हम फ्लेक्सिबल हैं और हम ग्रोथ भी करेंगे और इन्फ्लेशन को भी काबू में लाएंगे। तो इस सब से मार्केट काफी सुदृढ़ हुआ, मार्केट्स ने इसको वेलकम किया, और उसी के चलते आज एशियाई बाजार भी ऊपर की तरफ खुले। तो ये एक बहुत डेलिकेट बैलेंसिंग एक्ट कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप देखिए जो फेड की बैलेंस शीट है आज के दिन में, वो लगभग 9 ट्रिलियन डॉलर्स पर पहुंच चुकी है। मतलब के उनके जीडीपी का 37 से 38% का एक हिस्सा फेड की बैलेंस शीट में है। तो ये लेवल्स बहुत हाई हैं, धीरे धीरे इनको ये बैलेंस शीट कम करनी है, बट उसके सामने ये भी डर रहता है कि कहीं ये ऐसा करने से इकोनॉमी तो ना खराब हो जाए या मार्केट्स गिर जाए, एसेट क्लासेस में एक गिरावट आ जाए, विश्व भर में एक रिसेशन आ जाए। तो एक बहुत डेलिकेट बैलेंसिंग एक्ट करना पड़ता है, और ये बहुत कल बखूबी जिम पावल जो चेयरमैन है उधर के फेड के, उन्होंने बहुत बखूबी कल ये एक्ट किया, और इसी से ही मार्केट्स ने सराहना की। आगे चल के भी हमें ये मार्केट स्ट्रांग लगते हैं, क्योंकि लिक्विडिटी बिल्कुल है मार्केट्स में, और रिकवरी है, इकोनॉमिक रिकवरी भी साथ में है, रेट्स लो हैं, ये सब एक माहौल बनाता है अच्छे मार्केट का। तो मार्केट में निवेशित रहिए, लंबी अवधि के लिए एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में निवेश करिए, अच्छी कंपनियों में निवेश करिए, लंबी अवधि का आप एक नजरिया रखिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।